फिर न्यूज वाले आए हैं सभी, समझ में ना होता है भी, खूब गाना गई गाओ गाना, कहां आ गए न्यूज वाले, कहां फ्यूज उड़ा है, न्यूज वाले आए, न्यूज तार पिक्चर ले आए हैं, बुढ़ाती में पिक्चर बनाते तार देखा, और बदे में किचर निकली आ किसे देखे तो पिच का न्यूज अच्छा पीजी न्यूज वाले हैं तो आने दीजिए, पीजी न्यूज वाले आ रहे हैं, आने दीजिए। आपके लिए मैसेज आया है, लड़कियों ने मैसेज किया है, काफी इंस्टाग्राम पे आपका वीडियो बना रही हैं, सुंदर सुंदर लड़कियाँ, तो उसमें लिखा था दादाजी ब्यूटीफुल। तनी सुन ला ये झुल्लुर तब जइहा, तनी सुन ला आ तोहर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार रखे सौ सौ गोयार, तनी सुन ला तनी सुन ला ये झुल्लुर तब जइहा, तनी सुन ला। सुंदर सुंदर लफ्जों से गरीब आया, तो वो सुंदर लफ्जों से आपको अच्छा लगा कि नहीं ये बताइए। अभी आप कह रहे थे कि जब रागनी विश्वकर्मा मुझको गरियाती है तो लड्डू जैसे लगता था, अभी क्यों बुरा लगने लगा? शादी का लड्डू होता है ना, तो खाए तो भी पछताए, ना खाए तो भी पछताए, तो वही हाल है। काफी की है रागनी को पिलाया। अच्छा फिर आया कौन है? आगता हमके शरम नजर जनी मारल करा, सैया लागता हो सैया लागता, सैया लागता हमके शरम नजर जनी मारल करा। क्या कहेंगे? अरे धानी हाउ तू हमरे नुधान, अरे धानी हाउ तू हमरे नुधान, हो धानी हाउ तू हमरे नुधान, अरे घूंघट जानी काढ़ल कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में है, और आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, और ऐसे में आप देख सकते हैं रागिनी विश्वकर्मा और ये झुल्लुर दादा इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम पर एक रील इनकी 20 लाख लोगों ने अपना प्यार आशीर्वाद दिया है, और 10 लाख लोगों ने उसको उस गाने पर रील बना दिए हैं, और उनके साथ में रागिनी विश्वकर्मा जी हैं। हालांकि रागिनी विश्वकर्मा के साथ में जो भी आता है वो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर। अनुराग एंटरटेनमेंट के अंतर्गत ये लोग कार्य करते हैं, और अनुराग कॉमेडी करके एक चैनल है जिस पर इन लोगों की कॉमेडी आती है, और वह कॉमेडी जो होती है पब्लिक बहुत पसंद करते हैं, और आज हम इन लोगों से कुछ खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काहो झुल्लुर दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप ही आ रहे थे साइकिल लेके? हाँ, साइकिल लेके हम ही आवत रहने। तो देखना बहुत चोर भी लगते हैं, आप ताला भी मारे रहेंगे ना, तो साइकिल ये उठा ले जाते हैं। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, तो ताला मारे हैं। ताला मार दिए तो ताला मार के उसको पंचर मार देने का। तो पंचर मारेंगे तो इतना तो कोई लफड़ा नहीं करने वाला, जाने दीजिए, पंचर है नहीं ले जाएगा। हाँ अच्छा, हाँ तो कुछ ऐसा है। तो आप हैं पीजी न्यूज से? बहुत अच्छी तो बात है। आप हमारे दर्शकों को जरा अपना परिचय दीजिए कॉमेडी रूप में। आप एक कॉमेडियन हैं झुल्लुर दादा, बड़े फेमस चेहरा है आपका। वैसे फेमस तो हो ही चुका हूँ। हाँ। तो स्मार्ट भी हूँ। हाँ? हाँ। स्मार्ट भी हो? हाँ, स्मार्ट है। अच्छा, तो लोग बोलते हैं। हाँ। मेरा लड़का है। हाँ। तो उसके मोबाइल पे लोग कमेंट करते हैं। अच्छा, कमेंट में क्या लिखते हैं? तो मेरा लड़का ने बोला तो दादा आपके लिए मैसेज आया है। हाँ। लड़कियों ने मैसेज किया है, काफी इंस्टाग्राम पे आपका वीडियो बना रही हैं। हाँ। सुंदर सुंदर लड़कियाँ। हाँ। तो उसमें लिखा था दादाजी ब्यूटीफुल, दादाजी ब्यूटीफुल। हाँ, ऐसा कुछ। रागिनी विश्वकर्मा आपकी क्या लगती है? हम दोनों एक ही है ना? एक है। हाँ। अच्छा। झुल्लुर रागिनी, रागिनी झुल्लुर। हाँ। कुछ नहीं। हाँ। रागिनी झुल्लुर, क्या लगती हैं आप? इनकी बड़ी चर्चा है आपकी इन दिनों, इंस्टाग्राम पर आप ट्रेंड कर गई। इनके साथ में वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इनका जो कॉमेडी है, हंसते
रोते लोग को हंसा देते हैं और मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, पब्लिक के बीच में कैसे बोलना कैसे नहीं, तो इनका भी योगदान है मेरे ऊपर। अच्छा, बहुत कुछ सिखा देते हैं आपको। बहुत, और गाना भी गवाते हैं और गाते भी हैं। तो हम लोग हंसी मजाक किए थे, हम लोग नहीं सोचे थे कब वो कैसा जाएगा। वो भी मेरा गाना हंसी मजाक में गया था, वायरल हो गया ये गाना जो पहले शुरू में वायरल हुआ, वो भी मैंने हंसी मजाक में गाया और ये भी हम लोग हंसी मजाक में गाए थे। पहले तो इनको खूब हमने गाली दिया हूँ गाना पे, यूट्यूब पर देखिएगा अनुराग एंटरटेनमेंट पे, खूब गाली गाए हैं। फिर हम लोग बेवफाई गाए, ऐसे इनको गाली गाती है, जरा एक गाली गा के मीठी मीठी गालियाँ प्यार भरी। हाँ, अच्छा, शादी विवाह में जैसे रागिनी जी गाली गाया जाता है, कुछ उस प्रकार के इनको जरा गरिया के आप बताइए तो कैसे गरियाती हैं। अच्छा, तनी सुन ला, तनी सुन ला ये झुल्लुर तब जइहा, तनी सुन ला, आ तोहर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार रखे सौ सौ गयार, तनी सुन ला, तनी सुन ला ये झुल्लुर तब जइहा, तनी सुन ला। वाह, का झुल्लुर का कहबा। अब देखो भाई, पीजी न्यूज वाले भाई, तो गाली आपको देनी चाहिए, आप न्यूज वाले हैं, आप लुकी लगाने का काम करते हैं, है ना। हम लोग लुकी ना, हम देखिए सच्चाई दिखाते हैं। पीजी न्यूज चैनल आज आपको बता दे, सच्चाई तो दिखाते हैं। देखिए, हम जो चीजें एक्चुअल फैक्ट में रहती है वही चीज दिखाते हैं। आग लगाने का कभी हमने काम ही नहीं किया। रागिनी विश्वकर्मा जी आपके साथ, आपके समक्ष साक्षात बैठी हुई है, इनसे पूछ लीजिए कि जब इनको हम कवर किए थे तो इनकी सच्चाई दिखाए थे या आग लगाए थे या इनके बारे में कुछ अफवाह फैलाए थे, ये पूछिए इनसे, पूछिए, खुद बताएंगे। रागिनी जी बताइए, पीजी न्यूज आपके बारे में कोई अफवाह उड़ाया था? नहीं नहीं, मेरा जब गाना वायरल हुआ तो पीजी न्यूज, मैंने पीजी न्यूज ना, पीजी न्यूज और आपका न्यूज जय भारत, जय भारत, पहले यही लोग आए थे इंटरव्यू लेने, इधर देखा। हाँ, रागिनी बता रहे हैं, उसको सुनिए ध्यान से, आपको सच्चाई नहीं पता है। आप कहते हैं लुक्की लगा दिए, हम लोग लुक्की लगाने का काम करते हैं, तो मीडिया भाई आपने मुझे गरीवाया से आप बोल दिए कि हम लुक्की लगाने का काम करते हैं, गरीवाया नहीं, ये बताइए कैसे बोले आप कि हम लुक्की लगाते हैं? रागिनी के सुंदर सुंदर लब्जों से गरीवाया। हाँ, तो वो सुंदर लब्जों से आपको अच्छा लगा कि नहीं, ये बताइए। अभी आप कह रहे थे कि जब रागिनी विश्वकर्मा मुझको गरियाती है तो लड्डू जैसे लगता था, अभी क्यों बुरा लगने लगा? शादी का लड्डू होता है ना, तो खाए तो भी पछताए, ना खाए तो भी पछताए, तो वही हाल है। तो फिर भी आपने तो पछताने पे मजबूर कर दिया ना, पछता तो रहा हूँ, तो फिर भी अच्छा लगा। रागिनी जी आपने गाली दिया, लेकिन फिर भी आपने लड़वाने का काम किया। रागिनी, रागिनी जी एगो और होके के जाए तो अब तोहरे पे हुई। अरे नहीं, एक झुल्लुर पे, उसके बाद हमारा पे। गेट बाहर करो, गेट बाहर करो साला आवारा है जी, गेट बाहर करो। अरे तनी देखिला, अरे तनी देखिला, क्या पे काउ लिखलवा, तनी देखिला। रागिनी तहरा खातिर हम कहा थे, वहाँ पे लिखा है पेशाब करना मना है। तवार लिखल बा कि सोमार लिखल बा, तोहरा बहनी, तोहरा बहनी के, तहरा बहनी के, तहरा बहनी के, तहरा बहनी के लिखल बा, तहरा बहनी के, तनी देखला, तनी देखला ये न्यूज तब जई है, तनी देखला का झुलुर झुलुर भाई। ऐसा नहीं है, जो मेरे दर्शक लोग देख रहे होंगे, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन गेट बाहर करो, गेट बाहर करो साला आवारा है जी, गेट बाहर करो। प्रमोद गुप्ता ना, परमिन जी, अरे हमार शादी उदी हो गई तो ओसे का शादी गरिया सबके लिए गावे नहीं, हम तो हम तो शामिल बाड़ा। अच्छा अच्छा प्रमोद के लिए करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं अभी शादी नहीं, वो खोज रहे हैं, वो खोज रहे हैं, भागा ना गाइब जा कह रहे हैं जल्दी मिलवाएंगे। रागिनी जी तोरे ऊपर जिम्मेदारी देते हैं क्या? रागिनी जी ही खोजेंगी हमारी कन्या को कोई होगा कन्या, कन्या कुमारी जी पापा की परी हम लोग हैं, और कोई पापा की परी होगा तो भारत न्यूज को कवर करो। वो एकदम तैयार हैं, कह रहे हैं कि कोई लड़की मिल नहीं रही है, कह रहे रागिनी जी से बोलिए करवा देंगी, करवाएंगी ना आप?
हम कहाँ से करवाएंगे, हम फिटकरी खोले हैं क्या जी? हाय हम नसा। अच्छा रागिनी जी, एक गाना और आपका आने वाला है जो कि गन्ना का जूस है, वो आज ही लॉन्च हो रहा है, जरा वो गाना होना चाहिए, आप दोनों ने मिलकर शायद वो गाना गाया है ना? हाँ मैंने खूब गन्ना पेरा है उसमें, खूब पेरा है। हाँ पेराई काफी की है, रागिनी को पिलाया। अच्छा पिलवाया कौन है? आई गे। ये देखिए पिटाई हो रही है झुल्लूर दादा की, क्योंकि बोलते हो जी आप लोग, तो मैं भी तुमको मारेगा। हाँ मार दीजिए, हम मार देंगे, जान जाना चश्मा उश्मा सब फोड़ फाड़ देंगे। अच्छा, ना जानी पे ना जानी पेप्सी तम सब ना कोको कोला मंडुंडू ना जानी मिरिंदा का होला चाहता रा मेहरी के कोइल जदी खुश हो पिया दो हमके राजा जी गन्ना के जूस हो पिया दो हमके राजा जी गन्ना के जूस हो ये हतवाई के दवाई आदेशी उपाय सैया तोह के बताई चुवे तर तर देह से पसेना हो बोल के तना डोलाई हम बेना हो करी ले डिमांड त जल कहे रूस हो पिया दो हम के राजा जी गन्ना के जूस हो पिया दो हम के राजा जी गन्ना के जूस हो। तो गन्ना का जूस पिलाएंगे कि मौसम्बी का जूस पिलाएंगे? नहीं सीजन तो मौसम्बी का है। हाँ सीजन मौसम्बी का है। हाँ तो करें कि मौसम्बी का सीजन है तो आप गन्ना का जूस मांग रही हैं, तो क्या क्या पिलाएंगे ये बताइए तो करें। मौसम्बी का अभी रागिनी जी, हाँ सीजन मौसम्बी का ही है। हाँ हाँ सही, अभी फिलहाल गन्ना का आया हुआ है, गन्ना का। हाँ तो सीजन के हिसाब से लोग गाना कटने में पेड़ दूंगा। हाँ ये पेड़ देंगे, करें पेड़ देंगे, मशीन लाऊंगा। अच्छा ये गाना और आप लोगों का बहुत वायरल हुआ है अनुराग एंटरटेनमेंट से, कौन सा? वो जो आप लोग डुएट गाए हैं, वो जरा आपकी लाइन और इनकी लाइन, पानी में डूबते हुए। हाँ कौन सा? हाँ हाँ क्या बात? हाँ मैंने पहले आप बोले थे, पहले रागिनी जी बोली थी, पहले रागिनी बोली थी। अच्छा बोलिए रागिनी जी, क्या बात है, क्या बोली? हम सैया लागता हमके शरम, नजर जनी मारल कर सैया लागता, हो सैया लागता, सैया लागता हमके शरम, नजर जनी मारल कर। क्या कहेंगे? अरे धान निहाओ तू हमरे नुधान, अरे धानी हाउ तू हमरे नुधान, हो धानी हाउ तू हमरे नुधान, अरे घूंघट जानी काढ़ल करा, ऐसा कुछ है। हाँ, क्या बात है रागिनी जी। एक गाना और आपका था जो अभी सेकंड एसी आया है, पहले वाला एसी नहीं, वो वाला जरा सुना दीजिए, दर्शक उसे बहुत सुनने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ए सैया गर्मी के घाम दे तले से देहिया एसी खो जाता, एसी खो जाता, हो देहिया एसी खो जाता, हे राजा गर्मी के घाम दे तले से देहिया एसी खो जाता। तू तो बहरा में कटता रचनी पिया, हम घरे सहिल परसनी पिया, तू तो बहरा में कटता रचनी पिया, हम घरे सहिल परसनी पिया, कि पंखा कम न करत बेसी दहिया एसी खो जाता, कि बेनवा कम न करत देसी दहिया एसी खो जाता। क्या बात है, कब तक एसी लग जाए झुल्लूर दादा? नहीं हिमगंगे तेल से काम चलाना पड़ेगा। गंगे तेल से? हाँ वो कितने का आता है? ज्यादा नहीं है, 30-35 रुपए का है। हाँ। तो 50,000 की एसी की कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ। हाँ। तो ये सुबह शाम इनको लगाना पड़ेगा दोपहर में? नहीं तीन टाइम, सुबह में नहा के हाँ हाँ तो सर में ठोंक देता हूँ इनके। हाँ रुक जाओ। हाँ।
अगर इसको अगर गाने के रूप दिया जाए तो क्या देना चाहोगी एक लाइन में? किसको दे दो? अभी आप मुंबई गई थी, पूरा वायरल हो गई हो, मुंबई में खूब प्यार आशीर्वाद मिला, यहाँ तक मराठी में भी लोग आपको बहुत प्यार दिए, मराठी भी खूब अच्छा आप बोलना शुरू कर दिए, कैसे मराठी में लोग वहाँ पे आपको अप्रिसिएट कर रहे थे जरा वो दर्शक को बताइए। तुम्ही जितका तुम्हाला सगळ्यांना नमस्कार आहे और तुमचा आशीर्वाद प्यार आहे और तुम्ही ना मा बहुत गाना ऐकले और बहुत शेर भी केले, तुम्हाला बहुत बेस लागला और तुमचा से रिक्वेस्ट आहे तुम्हारी बगल ची मिमी पोरगी हो खूब प्यार आशीर्वाद दे जो कोई एक गाना होना चाहिए लास्ट में जाते जाते। ठीक है, लास्ट में बहुत प्यार आशीर्वाद मिला है आप सभी का और अभी मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया पे भी बहुत प्यार मिला, बहुत ज्यादा पूरा लोग सेल्फी खींचने के लिए खड़े थे, जितने कैमरा वाले भाई थे अगर जो वीडियो देखेंगे तो खुश होंगे। आप सभी को मेरा गाना बहुत आने वाला है, आप लोग देखो और खूब रील बनाओ और प्यार आशीर्वाद। कभी क्या आप कल्पना की थी कि गोरखपुर की धरती से निकलकर हम मुंबई तक सफर तय करेंगे, इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे? दिवाकर सर जी को, अनुराग एंटरटेनमेंट। मैं बहुत जल्द आऊंगी मुंबई में भी फिर से आप सभी के साथ में फोटो लेने फोटो निकलवाने। लेकिन जाते जाते गाने से एक स्वागत करिए। हाँ, क्या बात। तो मैं बहुत जल्द आऊंगी और आप लोग से उम्मीद है। अब अभी मेरा एक गन्ना वाला छूटा है, नहीं अभी छूटने वाला है, नहीं रिलीज हो गया, रिलीज हो गया, 5 बज गए ना, 6 बज गया, रिलीज हो गया है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा और आप लोग जरूर देखिएगा और भूलिएगा मत। तभी बहुत सारा गाना मेरा आने वाला है इसी महीने से। स्वागत कौन गाना करबू जात जवाब जाता सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे श्री राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे श्री राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। वाह वाह, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया रागिनी जी, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जो भी क्या हो जाती है मजाक मस्ती में उसके लिए मैं जो भी मेरे दिल में आता है आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए रागिनी जी बोल जाता हूँ। और लेकिन रागिनी जी को बुरा लग जाता है जब कुछ आप? नहीं, ऐसा नहीं है, बुरा नहीं लगता है, लेकिन कुछ मान मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि सब एक जैसे नहीं है, जितने भी दर्शक हैं कोई पारिवारिक है, बाल बच्चे वाले हैं सब, तो ऐसा कुछ मुंह से भाई बोलते बोलते इंसान ही है, गलतियां हो जाती निकल जाता, फिर भी क्षमा करिएगा मीडिया भाई। क्या कहना चाहेंगे रागिनी जी दर्शकों के लिए? दर्शकों के लिए बोलना चाहती हूँ पीयूजी न्यूज और भारत न्यूज ना, जे भारत को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इन्हीं लोग ने जब मेरा गाना का ये था प्रमोशन करने का टाइम और मुझे सिल्वर बटन मिला था तो आए थे सब, फोटो पोट किए और काफ़ी आप लोग प्यार आशीर्वाद दिए। मिलियन ने गया कि नहीं? तो आप लोग बहुत प्यार आशीर्वाद दिए, तो मैं चाहती हूँ फिर से ये लोग आए हैं तो आप लोग जितना उस टाइम प्यार दिए थे इतना ही इस टाइम भी प्यार दीजिए, हो सके इससे ज़्यादा भी दीजिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। और 3.5 लाख हैं, बोल दीजिए कि जून में 4 लाख करवा दें। जून में इनका सब्सक्राइब
5 लाख कर दीजिएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा, और सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्यार आशीर्वाद में कमी मत कीजिएगा। धन्यवाद। क्या बात है। आपको बता दें कि हम लोगों को भी नहीं पता था कि हम लोग रागिनी विश्वकर्मा को न्यूज के लिए हाईलाइट करेंगे और बहुत सारे लोग इनके पास न्यूज चैनल वाले आएंगे, क्योंकि न्यूज चैनल एक ऐसा चैनल होता है जहां पर ऑडियंस जो होती है बिखरी होती है और तमाम प्रकार की चीज़ें देखना शुरू कर देती है। और आपको बता दें कि जैसे जे भारत और पीजी न्यूज ने रागिनी विश्वकर्मा को चलाया, वैसे इनके पास इनके घर पर न्यूज वालों की और ब्लॉगरों की और तमाम यूट्यूबरों की लाइन लग गई। सही बात है कि नहीं? मैं जो बोल एकदम एकदम सही बात है। और उसी समय से लगातार रागिनी विश्वकर्मा YouTube पर ट्रेंड कर गई और आज बहुत अच्छा सुर्खियों में है, और ये हम लोग चाहते हैं कि दिन रात ऐसे मेहनत करें और आगे बढ़ें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।